काशीपुर में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ पर्वतीय समाज का गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर्वतीय समाज ने बैठक कर अध्यक्ष के खिलाफ उत्तराखंड बार काउंसिल में जाकर उनका लाइसेंस निरस्त कराने का निर्णय लिया। वहीं पर्वतीय समाज ने बैठक में अध्यक्ष को सार्वजनिक रूप से 31 अगस्त तक माफी मांगने का समय भी दिया, जिसके बाद पर्वतीय समाज अपनी रणनीति के तहत कार्य करेगा। दरअसल ये मामला तब शुरू हुआ जब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चौधरी ने पर्वतीय समाज को लेकर फोन पर टिप्पणी की थी, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। ऑडियो के वायरल होते ही पर्वतीय समाज ने इस पर नाराजगी जाहिर की थी और रैली निकालकर उनका विरोध किया था और माफी की मांग की थी। लेकिन जब बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने माफी नहीं मांगी, तब थाने में FIR दर्ज कराई गई। मेजर विक्रम सिंह रावत ने कहा कि संजय चौधरी ने हमारे समाज के लिए अमर्यादित भाषा का उपयोग किया है। हमने रैली निकालकर उनके बयान का विरोध किया, हमने FIR भी करवाई, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने माफी मांगने का बोला भी था, लेकिन अभी तक माफी नहीं मांगी है। हम हाई कोर्ट में जाएंगे और इनका लाइसेंस निरस्त करने की मांग करेंगे। फिर भी इन्होंने माफी नहीं मांगी तो हम उन पर मानहानि का केस दर्ज कराएंगे। संजय चौधरी, जो कि काशीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे पर्वतीय समाज को अमर्यादित भाषा का प्रयोग करके हमारे पर्वतीय समाज को गाली गलौज किया। उसके बाद हम लोगों ने 14 अगस्त को एक जन आक्रोश रैली निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में लोग रामलला ग्राउंड में पहुंचे थे। इसलिए अब हम 3-4 दिन के अंदर अंदर नैनीताल हाईकोर्ट में बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष पद से इनको निरस्त किया जाए और इनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। उस खिलाफ बाबत हम 3-4 दिन के अंदर नैनीताल बार काउंसिल अध्यक्ष को मिलने जा रहे हैं, और अगर ये फिर भी नहीं माने तो इन पे फिर मानहानि का केस हम दायर करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन MP टू बी NIRF रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।